लेकिन मिलने वाले भी तो रस्म है, एक इंसान का नेचर है। बेटी ने कोई बात कह दी, बाप रूठ गया। बेटे ने कोई बात कह दी, नहीं बोलेंगे। भाई ने कोई भाई कह दी, अब इनसे बात नहीं करेंगे। उन्होंने चूंकि घूर के देखा था लिहाजा शादी में नहीं बैठेंगे। उनसे चूंकि रिलेशन टूट चुके हैं लिहाजा मैयत में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये बात कह दी थी, उनको छोड़ दिया। उन्होंने ये बात कह दी थी, उनको छोड़ दिया। मौला कायनात फरमाते, भूल जाने की आदत डालो वरना दुनिया में अकेले रह जाओ। सबसे रूठते रहे कि इन्होंने घूरा क्यों था, ये टेढ़े क्यों चले थे, ये मुस्कुराए क्यों थे। इनसे भी रिलेशन खत्म, उनसे भी रिलेशन खत्म। तो जाहिर है कि दुनिया में रिलेशन खत्म तो हो सकते हैं, मगर इंसान माशरे का एक वजूद है जो समाज में जिंदा नहीं रह सकता जब तक के चाहने वालों के दरमियान जिंदगी न गुजारे। इसलिए कि जिंदगी में दो चीजें आती हैं, एक गम है और एक खुशी। इनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हर गम और हर खुशी ही के लिए ये जिंदगी होती है। गम उस वक्त बढ़ जाता है जब बहुत से अजीज नजदीक आ जाते हैं। खुशी उस वक्त मल्टीप्लाई हो जाती है जब बहुत से अजीज सिमट के एक जगह आते हैं। इंसान अगर ऐसा जानवर बन जाए कि खुशियों में कोई नजदीक ना आए और गम में कोई सहारा न दे, तो सिवाय इसके कि पागलपन का मर्ज बढ़ेगा और इसके अलावा क्या होगा। इसलिए कि इंसान का जहन मोहब्बत के लिए बनाया गया था, सिर्फ खाने पीने का जानवर ही कुदरत ने नहीं बनाया था। अगर इंसान को इस दुनिया में ममता प्यार मोहब्बत नहीं मिलती तो इंसान पागल हो जाता है। यही वजह है कि वो तमाम कंट्रीज, वो तमाम कल्चर, वो तमाम माहौल, वो तमाम समाज के जिसमें मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ ट्रिकल टॉफी लाइफ होती है, उसके अंदर पागलपन का मर्ज बढ़ता चला जाता है। हसीन लुक में उसके लिए जहर बन जाते हैं, लजीज गिजाएं उसको तबाह करने का सबब बन जाती है। कपड़ा पहनने को जी नहीं चाहता, इशरत की जिंदगी उसके लिए भयानक खाब बन जाती है। लिहाजा इंसानियत मोहब्बत के लिए है। सिर्फ पेट भरने के लिए तो जानवर ही बहुत ज्यादा थे दुनिया के अंदर। लिहाजा जरूरत है कि इस समाज और सोसाइटी में सुकून की खातिर इंसान मोहब्बत को क्रिएट करे, मोहब्बत पैदा करे। और मोहब्बत जब ही होती है जब एक सोसाइटी हो, और सोसाइटी में जब ही जिंदा रहा जा सकता है जब सोसाइटी की मार्केटों में मोहब्बत का सिक्का चले।